माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा खुशखबरी आपके पास है, क्योंकि बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया इस बार प्राइवेट कॉलेज के जो है वो 560 प्लस सीटों पे जो है वो गवर्नमेंट की फीस ऑनली लगेगी। जो गवर्नमेंट का एडमिशन फीस है उतना ही लगेगा, जो गवर्नमेंट का जो है वो वन ईयर का फीस है बस उतना ही लगेगा 50% सीटों पे। अब यहां से दो चीजें हैं कि सर कट ऑफ पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, एनएमसी बिल जो लागू हो रहा है इसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो चूंकि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार में सीधा अगर आप कहोगे तो 560 सीट बढ़ने का मतलब यह होता है कि कटअप पे इंपैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। और जहां पे बिहार का कटअप 600 जा रहा था, आप बिलीव कीजिए कि अगर ऐसा स्कीम आ जाता है तो 570 प्लस पे भी बिहार में एमबीबीएस मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ, 570 580 नंबर प्लस पे भी बिहार में जो है बहुत ज्यादा संभावना बनेगा लास्ट राउंड आते आते। मतलब पूरा एक तरह से कह सकते हो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में ये बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जो लोग पूछ रहे होंगे कि सर इतना बड़ा चेंज कैसे आएगा, मैं आपको एक जनरल आंकड़ा बताता हूं। 640 नंबर से पीएमसीएस शुरू होता है और ईएसआईसी बीटा आपका 605 नंबर पे। 35 नंबर का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट से लास्ट तक। तो जब भैया उतना ही प्राइवेट सीट भी अगर आपके पास एड हो जाता है तो क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि यह ग्राफ और 20 नंबर नीचे आएगा। तो 580 585 जाते जाते ये क्लोजिंग हो सकता है फाइनली, अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब बिहार के बच्चों को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन था लोगों का कि सर अगर एनएमसी का बिल लागू होता है तो मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं झारखंड, क्या मैं वहां पर अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एनएमसी बिल में वहां पर लिखा गया है कि बिहार स्टेट के छात्रों को इसका फायदा डायरेक्टली मिलेगा। मतलब अदर स्टेट के लिए ये ओपन कोटा नहीं होगा। बाकी के जो 50% जो गवर्नमेंट फीस के अलावा मैनेजमेंट फीस वाले हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो ओपन स्टेट है। लेकिन जो 50% जिस पे एनएमसी का बिल लागू होगा उसमें केवल और केवल बिहार का बच्चा ही एप्लीकेबल होगा। मतलब जो बच्चे बिहार का डोमिसाइल रखते हैं उनको ही इसका फायदा मिलेगा, जो बच्चे दूसरे स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि उस 50% सीट पे ऑल इंडिया कोटा का कोई भागीदारी नहीं होगा 15% का, केवल और केवल जो है वो स्टेट के 85% की भागीदारी होगी। मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी उसमें बच्चा नहीं जा सकता कि 50% फीस पे प्राइवेट में पढ़ लेंगे, ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ओनली स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को जो है वो वहां पे फायदा मिलेगा। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मतलब बिहार स्टेट के डोमिसाइल वाले बच्चों को इसका डायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो दोस्त, जो कल से बहुत बड़ा एक उथल पुथल चल रहा है कि यार यहां पे एनएमसी आ गया बिहार में, क्या कोई और स्टेट में आएगा? आप लोग अपनी कमेंट जरूर रखिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में जो है वो एनएमसी का बिल लागू होना चाहिए। इसके अलावा 2023 की काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होगी, रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट होने जा रहा है कुछ दिन में, और भैया उससे पहले आप हमारे यहां रजिस्टर करा सकते हैं। आपके चॉइस फिलिंग की सारी जिम्मेदारी मेरी, आपको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज चाहिए मैं बना के लिस्ट दूंगा, साउथ इंडिया में चाहिए वो मैं बना के दूंगा, बॉर्डर लाइन पे इंडिया में कहीं भी चाहिए अगर बॉन्ड सिस्टम के हिसाब से वो भी मैं बना के दूंगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जो भी लोग चाहते हो कि भैया मुझे जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ना है, आपके लिए मैं बहुत बहुत आपका वेलकम करता हूं, आप आइए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।